अगर आरती चाहती है साल भर तो जेल में सरा ही दी, अब जमीन ज्यादा तो बेच करके थोड़ा बहुत बेल करवाए, अब चाहती है कि गांव समाज को छोड़ करके कहीं चले जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेटी जहाँ कहीं भी रहे वह खुश होकर, अब बेटी नहीं बने, बेटी तो बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है, जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर, आप पे जो आरोप लगे वो आपके ही अपने बेटी के द्वारा लगाया गया, तो उन आरोपों को लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, चार बेटी तीन बेटा था, दो तो छोटा छोटा है, तीन बेटी का शादी जमीन सुद भरना लगा करके कुछ शादी कर सल्टा दिए थे, चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करी, सहानुभूति हुआ, अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं, शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए, गाँव समाज में दस्तु समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा, सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे, वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचा था। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा, साल भर जेल में सरवाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल के लिए फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली, आज साल भर भी जेल से मैं भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ जेल गेट पर भी पहुँच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह बाबू पहुँचाइए, और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया, जब बेटी कहा कि या इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में या रहे, मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी, एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया, बिच्छू दो बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूँ कि वह बिच्छू की तरह, वह बेटी नहीं बने, बेटी तो बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है, जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे लोग सिर्फ आपको ही आरोपी के नजर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे और दूसरे वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बेटी को भी आरोपी के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि गलती की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी बेटी से होती है अगर शुरू से देखा जाए पूरा मामला का तो। लेकिन जैसे ही आपके आते ही एक बार आरती ने फिर से सवाल शुरू कर दिए, तो आरती के लिए आज आप क्या कहेंगे? वो आरती की मर्जी है, जो करा गया। अब आपके अच्छा 1.5 साल तक, साल भर तक आप लोग जेल में रहे, आपका एक छोटा बेटा भी है, आपकी बूढ़ी माँ भी है, किस प्रकार से आपका घर चल पाया? परमात्मा जाने, हमने जाने। अच्छा, इन सारी भूमिकाओं में जितने दिन से आप लोग जेल में थे पूरे परिवार, तो वकील शिवनंदन भारती लगातार जैसा आप बोले कि गार्जियन की तरह आपका देखभाल किए, या फिर हमेशा मतलब इस केस को
विशेष फोकस किए, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? या वर्णन नहीं हो पाता है, इतना बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा जी। आपके केस को लेके जी, आप एक पिता हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात में असल में क्या हुआ था, कुछ आपको याद है? आप मतलब कुछ देखे थे? आरोप तो झूठे भी लगते हैं, सही क्या है वो तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, लेकिन आप कुछ बता सके थोड़ा सा? मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि प्रेम तो अंधा होता है, वो समय जो रहता है, वो अवस्था जो रहता है, परे हो रहता है, लेकिन उस पर कितने कितने विद्वान लोगों का भी पैर फिसल जाता है, महात्मा को भी पैर फिसल जाता है। तो हमने सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बचाने के लिए, हल्ला हुआ कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए, तो उससे पूर्व भी लड़का, उन्होंने धौंस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा। किसको दिया था? पवन यादव को, मेरे बेटा रविकांत को। अच्छा। उन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया, डकैत के दरमियान में पहचाने उसको, तो कहा देखे मेरा जात भाई है, बच्चा है, फिर फिसल गया, उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया, और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया, हम लोगों को जांच करी सर, मतलब आपको इसके बारे में, इसके बारे में विशेष कुछ जानकारी? कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं छोटू को इंसाफ नहीं मिला? अब छोटू का इंसाफ हम से, आप लोग बेल पे बाहर आए हैं, तब से आरती सोशल मीडिया पे ये बयान दे रही है कि उनके परिवार, मतलब आप लोग से आरती को खतरा है, घर दिखाने की बात हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, और अपनी बेटी को कुछ कहना चाहिएगा हमारे माता जी से? हम तो यही करने के लिए चाहते हैं कि माँ बाप तो जिगड़ होते हैं, हृदय का टुकड़ा बाल बच्चा उनका होता है, उसके प्रति आघात कहीं माँ बाप सोचे, गाँव समाज के लोग सोचे, इसलिए अगर आरती चाहती है, साल भर तो जेल में सरा ही दी, अब जमीन जायदाद तो बेच करके थोड़ा बहुत बेल करवाए, अब चाहती है कि गांव समाज को छोड़ करके कहीं चले जाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बेटी जहाँ कहीं भी रहे रहे वो खुश होकर करे। जो घटना आपके साथ घटित हुई है उससे समाज में जितने भी पिता हैं सब सहमे हुए हैं, बहुत सारे पिता अपनी बेटी को लेकर उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हमारे साथ भी हमारी बेटियां भी ऐसा कर सकती हैं, तो उन पिता के लिए आपकी क्या मैसेज होगी, क्या संदेश होगा? सब बेटी बेटा ऐसा नहीं होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वह सद्बुद्धि दे और सतरास्ता पर वह बेटा बेटी चले, और जो बिगड़ने के लायक होती है वह बेटी को भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु महाराज से, भगवान से, कि वह दूसरे के बहकावा में नहीं आ कर करके अपना जो कर्तव्य है, अभी भी शादी की है, अभी भी हक निभा कर करके दोनों घर को आबाद करके चले, इसी में मैं भगवान से संदेश देना चाहते थे, वो संदेश हमारे माध्यम से दे सकते? सर मीडिया वाला से प्रार्थना है, विशेष तो मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ, लेकिन लाचार न करें, घर पर तबाही न करें और अपने आप पर काबू पा लें।